थोड़ा बीच में आ जाओ। गाइज अभी अभी ना पार्सल वाला आ गया था, तो मैं नीचे आई थी पार्सल लेने के लिए, ओटीपी नहीं मिल रहा था। वो कह रहा था पार्सल किसी और का है, मैंने कहा भाई मेरा ही पार्सल है, मुझे ब्रांड ने भेजा होगा। ये आई थिंक सेटन बाई GST कोई ब्रांड ने भेजा है। तो या लिफ्ट आए तो ऊपर जाए, कैसे कैसे लोग होते हैं ना, बोल रहा है आपका पार्सल नहीं। अरे भाई मेरा ही पार्सल है, किसी और का थोड़ी ना लूंगी। चलो नाउ आई एम गोइंग। लिफ्ट में आती हूँ, लगता है 2 मिनट के लिए सो जाऊं, मजा आती है। गाइज यहाँ पे ना मम्मी को मैं सामने देख रही थी, क्योंकि मम्मी आई थी मस्त नहा वहा के, और यहाँ पे ना मैं आलू का पराठा बना रही थी, उन्हीं से मैं बात कर रही थी यहाँ पे। और या व्लॉग में तो मैं यही सब दिखा सकती हूँ, आप लोग को व्लॉग पसंद आता है, बट व्लॉग में मैं और क्या दिखाऊँ, क्योंकि ना मैं कहीं जाती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ, मतलब इतना ही है मतलब। यहाँ पे ना मैंने क्या किया, आलू का पराठा बना रही थी नाश्ते में, अभी नाश्ता चल रहा है दिन में, फिर हम लोग ने खाना ही नहीं खाया गाइस, क्योंकि आलू के पराठे में इतना पेट भर गया कि दिन में खाना खाने का दिल ही नहीं चाहा। मम्मी आ रही थी तो मम्मी को बना के देना था मुझे आलू का पराठा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बनाती जा रही थी। यहाँ पे ना मेरा आलू का पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका था, रेड रेड क्रिस्पी क्रिस्पी, मुझे पसंद है, दबा दबा के मैं उसको सेक देती हूँ। तो मैंने सोचा शूट भी करती जाऊँ, आप लोग को भी इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा। और मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, मतलब मेरे को देख देख के पानी आ रहा था, लग रहा था जल्दी से खा लूँ। पहले मम्मी को दिया, उसके बाद 2 पराठे फिर मैंने खाए। मम्मी कहती है वाओ, मैंने कहा आपको वाओ नहीं बोलना है भाई वीडियो में, तो हम लोग ना दही के साथ खाते हैं। रोटी बनी हुई रोटी 1-2 बजे खाए तो गर्म ही मिलेगी। अच्छा ऊपर से भी अलग है नहीं, सलाद अचार बहुत बक बक बक। अच्छा आज मैंने भी पिंक ही पहना। अच्छा यहाँ पे अब मैं भी 3 पराठे लेके बस बैठ गई थी खाने के लिए, मैंने शूट नहीं किया खाने को। मैंने कहा क्या मैं दिखाऊँ कि भाई मैं खा रही हूँ, मैंने खाया था गाइज, मैं आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद आया सरोजनी नगर से पार्सल, तो वो मैं ओपन करने बैठ गई, मुझे सब्र नहीं हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा शूट भी कर लूँगी और इसको मुझे ओपन करना ही था, तो जल्दी से मैंने ओपन किया। और ये किसने भेजा, ये मेरी फ्रेंड ने भेजा है। या इसको जल्दी से मैंने ओपन कर दिया, और यहाँ पे इसमें टॉप वगैरह था और पैंट वगैरह थी, बट ट्रस्ट मी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इसका कपड़ा, मतलब वर्स्ट बोलूँगी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मैं आइंदा से शॉपिंग नहीं करने वाली। यू कैन सी कुछ ये आए थे, सब पुराने लग रहे थे, कोई नया लगा ही नहीं मुझे, पहने हुए कपड़े लग रहे थे। एक अच्छा लगा ब्लैक, मुझे क्वालिटी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मेरे को कॉटन ही चाहिए, थोड़ा बहुत मिक्स हुए तो चले बट कॉटन ही चाहिए मेरे को, और ये कॉटन बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल चिकने सिल्क वाले कपड़े होते हैं वैसे थे, और मेरे को वो बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, तो मैं इसको अपनी बहन को दे दूंगी या कुछ भी करूंगी, मैं तो नहीं पहन सकती सॉरी। तो ना मेरे को नहीं पसंद है, अगली बार मैं सरोजनी तो बिल्कुल, मतलब मैं नहीं मंगाने वाली सरोजनी से बिल्कुल भी। जो रियल था वो बोला, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा चढ़ा के बोला हो कि अच्छे अच्छे, नहीं अच्छे लगे, अच्छे ही नहीं लगे मेरे को। आप लोग कमेंट करो आप लोग का एक्सपीरियंस क्या था, मेरा तो 0। गाइस कल मैंने आपसे बोला था कि मैं बात करूंगी बट मैं बात नहीं की, और पूरा दिन मेरा ऐसे निकल गया, मैं सामने चली गई मेकअप करने के लिए, उसने बोला कि मेरा थोड़ा सा करके दे सिखा, तो मैं गई थी और रात में आई सो गई, तो इस वजह से अब मैं सुबह आप लोगों से बात कर रही हूँ। सो मॉर्निंग है और अभी मैं जाऊँगी नहाने, मैंने थोड़ा सा आलू का पराठा खाया, कल भी खाया था बट आज भी खाया, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नहाऊँगी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, एसी के बिना सुकून नहीं पड़ रहा है मुझे भाई।
गाइज मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले साफ सफाई होती है और काम वाम करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं अपना बेड, यहाँ पे मैं सोती हूँ, मम्मी भी यहीं पे सोती है, मैं यहाँ पे सोती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी बेड की बेडशीट वगैरह चेंज की। वीडियो मैंने आधी स्पीड में कर दी है ताकि बहुत लंबी ना हो जाए और मैं सब कुछ शो भी कर सकूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी एंड जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह भी शूट करना होता है ना, इसलिए। यहाँ पे अब बारी आई झाड़ू लगाने की। मैंने सोचा शूट कर ही देती हूँ, जब सब शूट कर रही हो तो ये भी शूट कर दूँ। कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगता है ऐसे व्लॉग्स, अगर पसंद आते तो मैं और भी व्लॉग्स वगैरह डालूँगी। अभी आगे देखना, गणपति जी का विसर्जन वगैरह हुआ ना, तो वो सब भी मैंने सब शूट किया हुआ है। आखिरी में तो बैटरी भी लो हो गई थी। गाइज यहाँ पे ना गणपति जी का विसर्जन हो रहा था और इतना अच्छा, इतना सही मौसम हो गया था ना, लाइक मज़ा आ गई। बारिश हो गई थी बिल्कुल, जब आए थे गणपति जी तब भी बारिश हुई थी और जब जा रहे हैं तब भी हुई। इतना अच्छा मौसम हो गया था, मैंने शूट करने की पूरी कोशिश की है। सामने सर्कल बना हुआ है, वहाँ पे सब इतना डांस कर रहे थे, सब मराठी थे, बताए बहुत मस्त, मतलब मज़ा आ गई। इसके बाद मैं चली गई थी वीडियो शूट करने के लिए। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम की रील बनानी थी, मेरा नेट ख़त्म हो गया। अच्छा मैंने ये वाला मेकअप लुक किया है और यू कैन सी मेरा रूम की हालत देखो, मतलब रूम ही मेरा फैल जाता है। अच्छा लुक कैसा हुआ है मैंने ये, नहीं नहीं अभी नहीं बताऊँगी, वीडियो में ही देख लेना। ओके ये चार्जर मैंने सामने आंटी का लिया था तो वो मैं देख के आती हूँ। बताओ ना कैसा लग रहा है लुक, कैसा लग रहा है लुक, प्यारा लग रहा है ना। इयररिंग्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैचिंग मतलब सिल्वर अच्छा लग रहा है ब्लैक के साथ। चलो अभी हम लोग अपना मेकअप वेकअप सब क्लीन करते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मेरा गला घुट रहा हो यहाँ से भाई, इतना। बस अब यहाँ पे ना मैं अनरेडी वीडियो शूट करने ही जा रही थी कि मेरा आखिरी में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब थोड़ी सी क्लिप बची थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता दूँ कि भाई मेरी बैटरी लो हो गई थी, तो मैं इतना ही दिखा सकती हूँ। गाइस यही था मेरा वीडियो थोड़ा सा, और ये वाला लुक भी आएगा मेरे चैनल में। अच्छा व्लॉग्स अगर आपको पसंद है ना तो प्लीज़ आप मेरे को बताना, मैं ज़रूर डालूंगी। और ऐसे ही व्लॉग्स अगर आपको डेली पसंद है तो मैं ज़रूर डालूंगी। बैक नॉइस इग्नोर करना, बैटरी लो हो गई थी यहाँ पे। चलो अच्छा बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू गाइज़।